लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग? आज के दिन है संडे और सुबह से हम आ गए थे। कितने बजे आए थे? मैं थिंक 11:30 बजे आ गए थे और बहुत बढ़िया बढ़िया हमें यहाँ पे नाश्ता बना के खिलाया भाभी ने। सो सुबह तो हमें बनाए थे आलू टोस्ट और चटनी। भाई सब चटनी तो इतनी लाजवाब थी ना, मैं क्या बताऊँ, है ना। और इसके बाद लंच भी हमने किया। लंच में मैंने किया था छोले और दाल थी, बोलता था रोटी थी, सैलड था, एक ठेचा था, है ना, मिर्ची का बहुत ज़बरदस्त। तो मैंने नींबू मिर्चा नींबू का तो मैंने श्रद्धा को बोला है, पूछा कहते हैं, तो मैंने उसको बोला कि नहीं थोड़ा सा पैक करवा लियो, बहुत मस्त होता है गाइस वो, है ना। और अब बन रही है इडली और क्या बन रहा है, सांभर और चटनी। ये डिनर बन रहा है और हम लोग क्या कह रहे थे, मैं और भैया मनीष भैया गए थे वहाँ पक्का घाट घूमने। तो वो भी मैंने कुछ वहाँ पे रिकॉर्डिंग करी है तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा इस वीडियो के बाद, ठीक है। श्रेया भी आई नहीं है, श्रेया आई थिंक कल आएगी, ठीक है। सो फिर वो भी आपको दिख जाएगी इस वाले ब्लॉग में। और बाकी कैरब का तो खैर कुछ ठिकाने ही नहीं है, सुबह से वो खेले ही जा रहे हैं विवान भैया, पीहू, पंखुड़ी और भाभी दीदी के साथ। तो सुबह से वो खेले ही जा रहे हैं बस, है ना, बढ़िया तरीके से। तो बस यही सब थोड़ा सा अपडेट दे रहा था, तो मैंने कहा सोचा ब्लॉग की स्टार्ट कर लेते हैं और बाकी जो भी होगा मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। तो जो कुछ कहना, कैसे लग रहा है मैं क्या के? बढ़िया लग रहा है इसको भी, सही है। मेरा तो खैर रिलैक्स रहता है बिल्कुल, लेटे रहो, रील्स देखते रहो, बातें करते रहो, बस ससुराल में कुछ काम तो होता ही नहीं है, रिलैक्स रहता है बस, आराम से लेटे रहो अपना मजे से, है ना। चलिए मिलते हैं आपको भी थोड़ी देर के बाद में। तो यहाँ पे और हम लोग आए हैं मिर्जापुर में थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। श्रेया आ गई है, हाय कर दी श्रेया, हाय। और श्वेता भी है। और यहाँ हमने देखे टॉयज बास्केट, बच्चों के लिए थोड़ी सी शॉपिंग करी है। मैंने अपने लिए एक चप्पल और एक चश्मा खरीदा है, काफी चीप रेट में मिल जाता है यहाँ पे, बढ़िया। और भीड़ देखो कितनी है, ये सिटी कार्ट है मिर्जापुर का। और यहाँ पे बहुत एवरेज प्राइस में अच्छा सामान आपको मिल जाएगा, 50% ऑफ में डीओ वीओ सब मिल जाएगा, है ना। और ये है मोमो, हेलो बोलते, हेलो हेलो हेलो। ये मोमो, ये इसकी फ्रेंड है, ठीक है, ये मेरी शादी में भी आई थी, है ना। तो यहाँ पे ये सब है। और यहाँ पे ये देखिए पब्लिक, देखिए कितने लोग आए हैं शॉपिंग के लिए, वीकेंड का बार यही हो रहा है। बैकग्राउंड देख के तो पता चलेगा कि हम आ गए हैं अपने घर पे, ठीक है। और जस्ट हम अभी अभी आए हैं, हम कल बैठे थे रात को मिर्जापुर से और जस्ट 7:30 राउंड उतरे थे,
वो भी बट कैसे होता है उसका भी मैं आपको कहानी बताता हूँ। हमारा क्या था, न्यू दिल्ली की ट्रेन थी, पर न्यू दिल्ली अगर मैं नहीं उतरता गाजियाबाद जंक्शन पे तो 8:30 बजे हम घर पे पहुंचते। तो हमने एक घंटा सेव कैसे किया, मतलब कि गाजियाबाद पे वो 2 मिनट के लिए की जहाँ पे प्लेटफॉर्म भी नहीं था, तो फटाफट मैं उतरा, ठीक है, फिर कैब को लिया, फिर बैग उतारा, फिर शत्ता आई, फटाफट हमने टाप के प्लेटफॉर्म पे गए। तो इस तरह से हमने अपना एक घंटा बचा लिया और आराम से पहुंच गए, क्योंकि अब वो न्यू दिल्ली में बहुत भीड़ होती है इस समय हम उतरते ना, क्योंकि दिवाली का टाइम भी है, छठ का भी टाइम है, तो रेलवे स्टेशन में बहुत भीड़ है यार गाइस, लिटरली आई एम टेलिंग यू। ठीक है, तो जो भी जाए सुरक्षित जाए, जहाँ पे भी उनको जाना है अपनी जगह नेटिव प्लेसेस में, तो सुरक्षित जाओ, सुरक्षित वापस आओ, वापस आओ, बस ये कहना चाह रहा था। और हम मैं गया था ससुराल, आपको पता ही है, सब बहुत अच्छे से खाते जा रही हुई यार, बहुत अच्छे से मान सम्मान दिया सभी घर वालों ने, श्रद्धा के जितने भी घर वाले थे बहुत अच्छे से मान सम्मान दिया, बहुत बढ़िया बढ़िया वेराइटी ऑफ फूड मिला खाने को मुझे वहाँ पे, ठीक है, तो मज़े आ गए। 2 दिन रह के मतलब कि कुछ काम था ही नहीं, जो गप्पे मारो आराम करते रहो बस, और रिलैक्स लाइफ थी बिल्कुल, तो यही था। अब आने के बाद मैंने पता सबसे पहले और क्या किया, आने के बाद सबसे पहले मेरा काम क्या रहता है, कपड़े डालना मशीन में गाइस। तो मैंने कपड़े फटाफट डाले आके मशीन में अपने, पहले मैं जब भी आता हूँ किसी भी ट्रिप से, पहले मैं अपने कपड़े धोता हूँ सेल्फ, ठीक है, उसके बाद फिर औरों के डरते रहते हैं, पर सबसे पहले मैं कपड़े धोने की बड़ी टेंशन रहती है, तो वो सब डाल दी। कैरब के भी इसमें डर गए हैं, और कैरब को देखो मिल गया उसका लैपटॉप, आज कैरब की भी स्कूल की छुट्टी करवा दी है, श्वेता तो गई है ऑफिस, बिकॉज उसके ऑफिस में उसको दिवाली गिफ्ट मिलना था, अगर वो नहीं जाती तो वो मिस हो रहा था, तो हम टाइम से आ गए, तो मैंने कहा तो चली जाओ शॉर्टली में आ जाइए, बिकॉज आज हमें प्रेनी के घर भी जाना है दिवाली देने, और क्या करना है और भी कुछ था, हाँ, और कल थी धनतेरस, सबको पता ही है गाइस, तो धनतेरस पे मम्मी काफ़ी सामान लेके आई हैं, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या सामान है धीरे धीरे, और कुछ मैं यहाँ नहीं था तो कुछ चीज़ें और आई थी, और आज कुछ और आनी है, तो सब जब सब आ जाएगा ना तब मैं आपको एक साथ दिखा दूंगा, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में दिखाने का फायदा नहीं है, और मुझे थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी है बस यही, जैसे मेरे फ्रेंड्स जो हैं उनके लिए गिफ्ट खरीदने हैं, यही दो तीन काम और बच रहे हैं मेरे, बाकी अब जैसा भी होगा अब आपको दिवाली के ब्लॉग्स मिलेंगे, तो बने रहिए इस चैनल पे, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर देना भाई। तो मैंने सोचा ये एक्चुअली मैंने कहा दो ब्लॉग है ना एक साथ, दो कंटेंट एक साथ जाएंगे ना तो बड़ा अजीब सा लगेगा, तो मैंने अभी जैसे वीडियो मर्ज करके देखा तो 7 मिनट्स की वीडियो ऑलरेडी आपके लिए हो चुकी है, ठीक है। और अच्छा, वहाँ से निकले थे ना तो विदाई में हमें ना एक तो ये डिब्बा मिला था वहाँ से, इसमें लिखा हुआ है, एक सेकंड में बताता हूँ आपको, अन्नपूर्णा पांडे, मतलब कि जो श्वेता की बड़ी मम्मी का नाम है वो है ये, और वार्षिक श्राद्ध ये लिखा हुआ है इस डिब्बे पे, और इसमें है आपके गुलाब जामुन और बूंदी, और साथ में मिली थी नमकीन भी बहुत अच्छी, और है ना श्वेता की भाभी है वो बड़ा अच्छा वो बनाती हैं, अब मेरे को प्रोनाउंस करने में वो ठेचा बोलता हूँ मैं, बट वहाँ पे कुछ और बोलते हैं, ऊंचा बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, बट बहुत ही स्वाद लगता है, तीखा होता है बहुत, और पराठे के साथ और चावल के साथ थोड़ा सा रोना तो मज़ा आ जाता है भाई, भाई साहब मज़ा, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड रुकिएगा, होता है, ठीक है, ये हरी मिर्च का होता है, और मतलब कि कम से कम बहुत सारी हरी मिर्च डाली जाती हैं इसमें, और साथ में लहसुन भी होता है, और ये तेल में छोंका जाता है, फिर नमक भी डाला जाता है, थोड़ी सी हल्दी भी डालते होंगे माइक भी, बट बहुत अच्छा होता है, मैंने श्रद्धा से बोला इसकी रेसिपी सीखो तो मज़ा आ जाएगा खाने के साथ, आई थिंक जो मिर्ज़ापुर साइड के रहते होंगे या जो उस तरफ उस बेल्ट के होंगे वो ये खाते भी होंगे, उनको पता होगा, है ना। और बाकी हमारा कैरब क्या कर रहा है, और कैरब की तो भाई साहब खूब कमाई हो गई, खूब कमा के ले आया, जो भी ये कमा के लेके आया मैंने इसकी गुल्लक में डाल दिया, ठीक है कैरब, आपकी गुल्लक में डाल दिया, ठीक है, टॉय चाहिए उसका नहीं, सेविंग, वो इसकी सेविंग हो गई जो इसकी गुल्लक में मैंने डाल दिया, और बाकी सबने विदाई भी दी थी, सो अच्छा रहा एक्सपीरियंस ससुराल विजिट का मेरा, और खूब इंजॉय किया, ठीक है। और आपने वीडियो में देख लिया होगा मैं गया था पक्के घाट, गया था वहाँ पे और सिटी कार्ट एक मिर्ज़ापुर में, उसकी वीडियो भी हमने देखी होगी, तो अच्छा शहर है वैसे तो, मैं बहुत बार ही गया, मतलब कि पहले भी जा चुका हूँ, आपने वो ब्लॉग देखे होंगे, सो दैट्स इट, तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिवाली के ब्लॉग्स आने वाले हैं ढेर सारे, तो बने रहिए इस चैनल पे, और चैनल को अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए।